दोस्तों स्वागत है आपका एक्समन यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में। दोस्तों ओप्पो रेनो 3 प्रो जो है, ये मोबाइल जो है मेरे एक सब्सक्राइबर के पास था, ठीक है, और वो उड़ीसा में रहता है, उसका नाम है ब्रांची। और उसको मैंने अनलॉक टूल दिया था आज से एक महीना पहले, तो वो उस टूल से उसे अनलॉक नहीं कर पा रहा था ओप्पो रेनो 3 प्रो को। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा और फिर मैं आपको अनलॉक करके दूंगा। तो जैसे मुझे टाइम मिला, मैंने उसे इस मोबाइल को जो है अनलॉक करके दिया ओप्पो रेनो 3 प्रो को। और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे मैंने उसे अनलॉक किया। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आजकल जो है मैं अपने घर पर ही रहता हूं, अपने घर पर ही जो है अपना सारा सारा बिजनेस करता हूं, ठीक है, मैं कहीं भी नहीं जाता। और जो मेरा पहले का शॉप था, ठीक है, उस पर जो है मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ। वहाँ पे जो मेरे जो कुछ लड़के हैं, जो मेरे स्टाफ हैं, वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, हम वहाँ पे नहीं जाते, हम घर पर ही हमेशा रहते हैं और घर से ही अपना जो सारा प्रोडक्ट यहाँ से सप्लाई करते हैं पूरे इंडिया में। और जो भी बॉक्स या डोंगल एक्टिवेशन हो तो ऑनलाइन हम करते ही हैं, लेकिन किसी को कोई प्रोडक्ट भेजना होता है पार्सल वगैरह तो वो हम भेजते हैं यहाँ से, 4 से 5 दिन में मिल जाता है, ठीक। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्सिंग, ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने अपना एड्रेस दिया था आप सबको कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अब बिहार में पूर्णिया जिला का रहने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ पे सुशांत सिंह, ठीक है, जो अभिनेता है फिल्म इंडस्ट्रीज का सुशांत सिंह, उसका जो घर पूर्णिया में है वहीं पर मेरा भी घर है, उसी जिले में मेरा भी घर है, कटिहार पूर्णिया आपस में है। और अगर आप लोग कटिहार पूर्णिया के अगल बगल में रहते हैं, अररिया फारबिसगंज जोगबनी नेपाल, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो आकर के मुझसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं मेरे घर पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम जो है अपने सब्सक्राइबर के कंप्यूटर पर आ चुके हैं, जिसका नाम है ब्रांची और ये उड़ीसा का रहने वाला है। और ये अनलॉक टूल इसको मैंने ही दिया था और ये अनलॉक नहीं कर पा रहा था, अब हम इसके कंप्यूटर में जो है ऑनलाइन यहाँ से अनलॉक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ओप्पो पर क्लिक करना है। ओप्पो पर क्लिक करने के बाद ओप्पो रेनो 3 प्रो को अनलॉक करने के लिए आपको उसका मॉडल नंबर जो है परफेक्ट मॉडल नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे आपको यहाँ पे मॉडल मिल जाता है, मॉडल नंबर मिल जाता है, तो उस मॉडल नंबर पे आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे मॉडल नंबर मिल गया तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना होगा, इस पे डबल क्लिक करके छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद मोबाइल को ऑफ करना है आपको। मोबाइल ऑफ करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है बूट मेटा मोड, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे बूट मेटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो बूट मेटा पर आपको क्लिक करना है और मोबाइल को बूट कराना है। जैसे बूट मेटा पे क्लिक करोगे आप तो मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद वॉल्यूम प्लस और माइनस कंटिन्यू सेम टाइम आपको प्रेस करना है। तो जब आपका मोबाइल मेटा मोड पर चला जाएगा, मेटा मोड पर आपका मोबाइल जाने के बाद आपको यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट 4 पर क्लिक करना है। तो फैक्ट्री रिसेट 4 पर आपको क्लिक करना है और आपका मोबाइल बूट करेगा और यहाँ से अनलॉक होगा। लेकिन मैंने जो है इसके कंप्यूटर में ट्राई किया था तो एक बार फेल हो गया था, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में फैक्ट्री रिसेट 4 पे आपको क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉलिंग मेटा मोड ओके लिखेगा तो फैक्ट्री रिसेट 4 पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल अनलॉक होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक के वजह से जो है ये फेल हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने फिर दोबारा ट्राई किया तो फिर अनलॉक हुआ ये मोबाइल। और इसमें बहुत सारा जो दिक्कत है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये फेल हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि फिर से हम बूट मेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है ऊपर नीचे करने का, यहां से कर सकते हैं आप। बूट मेटा पे क्लिक मैंने कर दिया, उसके बाद जैसे ही मेटा मोड में मोबाइल जाएगा तो हमें यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट 4 पर क्लिक करना है। अब मैंने यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट 4 पर क्लिक कर दिया और सक्सेसफुली मोबाइल बूट किया और ऑटोमेटिकली मोबाइल अनलॉक हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि अनलॉक हो चुका है, लेकिन कंडीशन है इसमें कुछ कंडीशन ये है कि आपको अब मोबाइल में यहाँ पे आप देख रहे हैं लिख रहा है वॉल्यूम माइनस पावर की कंटिन्यू आपको सेम टाइम प्रेस करना है। मोबाइल रिकवरी मोड में जाएगा, मोबाइल जब रिस्टार्ट होगा तो मोबाइल आपको आपको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद मोबाइल को रिकवरी मोड में ले जाना है। रिकवरी मोड में ले जाने के बाद आपको वहां पे ऑटोमेटिकली कुछ कोड आएगा, वो कोड आपको मोबाइल में जो है डालना है और फैक्ट्री रिसेट कर देना है मोबाइल के अंदर से। और बाकी का प्रोसेस आपको जो है लाइव मेरे सब्सक्राइबर ब्रांची जो कि आपको यहां पे अभी दिखाएगा वीडियो में कि कैसे आपको कोड डालना है मोबाइल के अंदर में।
क्योंकि अगर आप वीडियो को मिस करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बाद में आप कमेंट करके मुझसे पूछोगे कि भाई मैंने किया लेकिन अनलॉक हुआ नहीं, मोबाइल में वापस पिन कोड मांग रहा है या पैटर्न लॉक मांग रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। बाकी का प्रोसेस मेरा जो सब्सक्राइबर है ब्रांची जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, इसको अनलॉक टूल भी मैंने ही दिया था, ये आपको भी यहाँ पे लाइव दिखाएगा, आप देखिए यहाँ पे। दवा के सेम टाइम मतलब रिकवरी मोड में लेना है, लेके विप्रो डाटा में एक पासवर्ड शो करेगा, उसी पासवर्ड को देके आप विप्रो डाटा को जी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है मैं इनसे फोन पे भी बात कर रहा था, वो भी रिकॉर्डिंग हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सब्सक्राइबर मोबाइल को रिकवरी मोड में लेके गया और इसमें कुछ कोड मांग रहा है, वो कोड स्क्रीन पर शो करेगा आपको, वो कोड आपको इसमें डालना है, आप दे देना है, दे के उसको फॉर्मेट कर दीजिए मोबाइल जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ब्रांची जो है इसको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये ठीक से बोल नहीं पाता है, फिर भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। मोबाइल ऑन हो रहा है अभी जी। मैंने मनन भाई के पास एक टूल लाया था अनलॉक टूल, उसमें ओप्पो रेनो 3 प्रो है, मैंने फॉर्मेट किया लेकिन हुआ नहीं। मनन भाई को मैंने टीम पर आईडी दिया, उन्होंने देखे, मनन भाई आके फॉर्मेट किया, फॉर्मेट हो गया, हो चुका है, देखो रेनो 3 प्रो है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो डायरेक्टली आप मुझे मेरे नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस नंबर पर। तो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।